making video, guys. Wait, it's a very nice idea, TV and Nochi. But the bole bande rehnde aa. Still drive me crazy. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कंसीडर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक भी करना और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें ताकि हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। और शुरुआत करते हैं हमारे आज के दिन के साथ। गाइस, मैं बहुत परेशान हूँ एंड दुखी हूँ। मैंने अपने आज के दिन के 4-5 घंटे स्पेंड किए हैं वीडियो कंटेंट शूट करने के लिए, और अब मैं चेक कर रही हूँ उसमें कोई वॉइस की प्रॉब्लम है। लाइक माइक कहीं पे बंद है, कहीं पे ऑन हो जाता है। लाइक माइक का कोई इशू आ गया जिसकी वजह से मज़ेदार नहीं हुआ काम। सो आज का सारा काम बेकार रहा, क्योंकि मैं ऐसे अपलोड नहीं करूँगी। 3 वीडियो शूट की थी आज मैं, इतनी मेहनत करने का की फ़ायदा होया। बहुत बार होता है मेरे साथ ऐसे कि कॉफ़ी बनाई थी मैंने मेरे पीने के लिए, फेंकनी पड़ी है क्योंकि उसमें जो क्रीम है वो सही नहीं है। चलो दोस्तों, दुख मना लिया, अब कुछ और करते हैं। कल करेंगे फिर। एक बात तो बता देती हूँ, मैंने एक नया मेकअप प्राइमर यूज़ किया है जिसके बारे में मैंने हज़ारों सालों से सुना था। अब वो कनाडा में मिलना शुरू हो गया तो मैं वो लेके आई हूँ, और उसको लगाने के बाद मुझे मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही है, वो मुझे डिफरेंस लगा। और आज का व्लॉग एडिट करना शुरू करते हैं। आज ये कंटेंट को शूट करते हुए मैं इतना ज़्यादा समय स्पेंड किया और इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई कि इन बिटवीन मेरा मन किया कि बस यार अब नहीं मुझसे होगा कि रहने देनी है, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया। पर मैं फिर भी बॉडी के पेन को भूल के लगी रही कि नहीं यार कंप्लीट करना है। पर एंड रिज़ल्ट से फ़ायदा भी नहीं हुआ, सो इसलिए मैं थोड़ा दुखी हो गई हूँ। पर इट्स ओके, कोई गल नहीं, हम दोबारा करेंगे। और क्या कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई इस काम के लिए, मेरा डिनर बनाने के लिए भी मन नहीं कर रहा आज बिल्कुल भी ज़्यादा। पर डिनर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पड़ी हैं, सब्ज़ियाँ पड़ी हैं जो मैं यूज़ करना चाहती हूँ, जिनको मैं ख़राब नहीं होने दे सकती। और कुछ तो कुक करूँगी मैं, जिदा किद्दा भी पति की मदद ले गए या कैसे भी। सो यस, और जो मैंने मेरे आईब्रोज़ को ग्रूम करने की वीडियो बनाई उसमें वॉइस प्रॉब्लम है, पर वो मैं दोबारा शूट कैसे करूँ? अब मुझे वेट करनी पड़ेगी कब मेरे आईब्रोज़ दोबारा से बढ़ेंगे। तो उसको मैं सोच रही हूँ कि वॉइस ओवर कर दूँ और उसे ऐसे ही अपलोड कर देते, क्योंकि वो चल सकता है यहाँ बिना आवाज़ के, क्योंकि आपको तो मुझे बताना है कि मैं क्या कर रही हूँ, वॉइस ओवर भी हो सकता। सो या ये सोल्यूशन निकला है, और ये जो प्यारी मेकअप लुक है मुझे लगता है कि आपको प्यारी लगेगी। ये दोबारा क्रिएट कर लेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और यस, एडिट करना शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और मेरी वॉल ऑफ फेम देख लीजिए आप। क्यों आज तुसी डिनर बनाना वे? आज तो ही ना नूडल्स बनाने हैं, मैं तो सारा कुछ चॉप कर दांगी। ओके डैडी, कम ऑन प्यारी। ऑलराइट, सो आज के व्लॉग के साथ डन हुआ है, समय हो गया 6 और आज आई एम नॉट फीलिंग गुड। आज मेरी बैक में बहुत पेन हो रही है, मैं मन कर रहा है कि थोड़ा लेटने के लिए चली जाऊँ। और कितना रौला प्यार कर छे हस्बैंड, पता नहीं इतनी उच्ची टीवी सुन दिया ना। और एडिटिंग डन हो गई है और इसको सेव करेंगे, अपलोड करेंगे। पति ने बड़ी आत चुकी है। मिमी टीवी दीवाई कट करो। सो दिस इज माई सेकेंड डे हेयर विद एलोवेरा जेल। सो नहीं, आई एम नॉट गोना डू इट अगेन। आई एम मेकिंग वीडियो गाइस। इट इज अ वेयर लाइक आई टीवी इन नोची। अरे बोले बंदे रहते हैं। ओके दोस्तों, तो हस्बैंड के टीवी की आवाज थोड़ी कम कराई गई है, अब मेरी वीडियो हो रही है सेफ। और डिनर बनाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, पर हस्बैंड ने कहा कि वो मदद करेंगे। सो या देखते हैं क्या बनाते हैं। पर मैं सुबह 15-20 मिनट की ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद शायद मुझे थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और मैं काम कर लूँ। सुबह जा रही हूँ हिम्मत के रूम में, क्योंकि हिम्मत का रूम बहुत अच्छा डार्क है। हिम्मत के रूम में मैंने कर्टन्स लगाए हैं जो रूम को बिल्कुल डार्क कर देते हैं, सो वहाँ पर जाकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। वैसे भी बड़े प्यारा पॉजिटिव रूम है। हिम्मत के रूम में जाकर 15-20 मिनट लेटती हूँ, फिर आती हूँ और फिर करते हैं कुछ। सो यस, लेट्स गो। ओके गाइस, यू कैन वॉच टीवी नाउ। यू गाइस कैन वॉच टीवी इफ यू वांट। आज पूरा दिन मैंने बुक का एक भी पेज नहीं पढ़ा,
आज मैं वीडियोस बनाने में इतना बिजी रही और वीडियोस भी सही नहीं बनी. सो या बुक पढ़ लो. की करा यार बुक पढ़ा यार. आराम कर लेंगे थोड़ा. गाइस मैं 5 मिनट आराम करके आनी है. 15वीं मिनट ओके. कमर दर्द ऑलरेडी. दोस्तों अपस्टेयर्स आई हूँ मैं आराम करने के लिए, पर मैं निचले नहीं बैठ सकती हूँ तो मैं इस रूम में आ गई हूँ. ये जो रूम है ये मेरा ऑफिस है, मेकअप रूम है, और यहाँ पे मेरे दफ्तर वाले काम होते हैं, मेरी आर्ट वाले काम होते हैं, मेरी हॉबीज़ होती हैं, या जो भी चीज़ों का शौक है मुझे वो है यहाँ पे. और इस समय इस रूम में बहुत ज़्यादा मैस हो गया है, लाइक सारी चीज़ों का क्लटर एक साथ है. मैस है, मेकअप है, एंड मेरी सिलाई वाला स्टाफ है. यस मैं बहुत सारे कपड़ों की डिज़ाइनिंग की चीज़ें भी कर रही हूँ आजकल. लाइक एक ननी जान हर तरफ हाथ मारती रहती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं. और पर अब इस रूम में इतना क्लटर हो गया है कि मुझे क्लीन करना होगा. एवरी 2 दिन बाद क्लटर हो जाता है और उसके बाद मुझे क्लीन करना पड़ता है, पर फिर वैसे हो जाता है. सो यहाँ अब स्टेयर में आराम करने आई थी, पर ये क्लटर मुझे दिख गया तो मेरा मन है कि थोड़ा सा क्लीन कर दूँ. और अगर मैं नहीं भी क्लीन करती हूँ ना, यहाँ पर मैं आके ऐसे बैठ जाती हूँ टाइम पास करने के लिए, और यहाँ पर आके मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव फील होता है. और ऐसे टाइम पास करने के लिए बैठी रहती हूँ थोड़ी देर, पॉजिटिविटी लेके जाती हूँ, मोटिवेशन लेके जाती हूँ, इंस्पिरेशन. और ये जो मेरी यहाँ पे वॉल है ये कोट्स से भरी हुई है जो भी मुझे अच्छी लगती हैं. वन डे मैं आपके साथ शेयर करूँगी. मेरा प्लान है कि मैं इस पूरी वॉल को पूरी तरह भर दूँ अच्छी अच्छी कोट्स के साथ, कि जब भी आप लो फील करें इनको पढ़ें और याद करें कि यार आई हैव टू डू समथिंग. और इनमें से मैं आपको एक दो पढ़ के सुनाती हूँ. एक है आई एम इन चार्ज ऑफ हाउ आई फील And today I'm choosing happiness. So आप अपने feeling के, अपने emotions के boss हैं. आप choose कर सकते हैं कि आपको अच्छा feel करना है या बुरा. So किसी के पास भी privilege नहीं होनी चाहिए कि वो आपको बुरा feel करा दे. अगर आप कहते हैं ना कि कोई बंदे हैं जो आपको हमेशा बुरा feel कराते हैं, वो actually वो बंदे नहीं हैं, वो आप खुद ही हैं, कि आप अपने boss खुद ही हैं. अगर आप decide कर ले कि आपको कोई भी बुरा feel नहीं करा सकता, तो आपको really कोई नहीं करा सकता है. So yeah, ये quote रिमाइंड कराती है. ये नेगेटिव लोगों से दूर रहने की ज़रूरत होती है, पर ये भी है कि अगर आप चूज़ कर लें कि किसी की नेगेटिविटी आपके अंदर तक आपको इफेक्ट नहीं करेगी, तो आप वो कर सकते हैं. ओके अगली कोट में पढ़ना चाहूँगी. द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन. सो जो रोड सक्सेस की तरफ जाती है वो हमेशा कंस्ट्रक्शन होती रहती है वहाँ पे. सो अप एंड डाउन्स हेयर देयर, आपको रुकना पड़ेगा, लाइक ट्रैफिक स्लो हो जाएगी और बम्प्स आएंगे, क्योंकि वो हमेशा कंस्ट्रक्शन होती रहती है. तो आपको कंस्ट्रक्शन की चिंता करके दूसरे रोड पे से जाने की ज़रूरत नहीं है. इट्स ओके, वही रोड सक्सेस की तरफ जाती है, पर यह बम्प ज़रूर आएंगे. ये वाला मेरा फेवरेट है. Thoughts become things. If you see it in your mind, you will hold it in your hands. So ये है law of attraction, कि अगर आप अपने mind में देख सकते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो आप अपने हाथों में भी hold कर सकते हैं. कि law of attraction में इतनी ज़्यादा power है कि अगर आप कोई भी चीज़ imagine कर लें कि ये आपके साथ होने वाली है या होगी, तो सच में वो हो जाएगी. बस आपके दिमाग में और आपके थॉट्स में कोई भी doubt नहीं आना चाहिए कि क्या ये होगा या क्या ये नहीं होगा, क्योंकि then वो नहीं होगा. ऑलराइट एक और कोट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि द ओनली वे टू डू अ ग्रेट वर्क इज डू व्हाट यू रियली लव. क्योंकि जब आप वो करते हैं ना जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आता है और करने में प्यार है, तो आप उसका बेस्ट करते हैं. सो यस, ये है आज की मोटिवेशनल टॉक. अब मैं आराम करूँ, क्लीन करूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा. ऐसे करती हूँ, टाइमर लगाती हूँ जैसे मैं हमेशा करती हूँ, 5-10 मिनट क्लीन कर दिया, फिर वहाँ पर बैठ के आराम करेंगे. जितना 15 मिनट में क्लीन हो गया उतना करेंगे, देन आराम करेंगे. मैं यहीं पे आराम कर लें. ऑलराइट तो मैंने मेरे रूम को थोड़ा सा क्लीन किया है, पूरा क्लीन नहीं हुआ है. मैंने सोचा है कि कल करूँगी. और मेरी वीडियो एडिट जो मैंने की थी वो सेव हो चुकी है. अब मैं अपलोड कर रही हूँ, आज अच्छे टाइम पे अपलोड होगी है, हो जाएगी. और यस अब मैं आराम करने वाली हूँ डेफिनेटली. अब मैं 10-15 मिनट आराम करूँ. ऑल राइट दोस्तों मैं यहाँ पे आराम करने लिए आई हूँ, तो अब बंदा आ गया वे मैनू लेके जान ली. एंड ही सेइंग कि तुम्हें नीचे आने की जरूरत नहीं है, मैं सारा मील भेज दूंगा. की भेजोगे? सब तो पहला तेरे लिए मैं स्प्रिंग रोल भेजूंगा हिम्मत दे हाथ, उस तो बाद पीछे नाल दी नाल ही सूप आ जाऊंगा. हिंदी बोल प्लीज़.
उसके बाद पीछे सूप आ जाएगा। पीछे कौन लेके आएगा? वो भी हिम्मत लेके आएगा, डोल देगा वो तो बिल्कुल तैयार करके भेजा जाएगा, डब्बे बंद करके भेजो, डोलना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आपको फुल मील में क्या, मेन कोर्स क्या चाहिए आपको? मुझे मेन कोर्स में चाहिए मगर चाइनीज, हाका चाइनीज में ही रखना अपना ऑर्डर प्लीज। ओके, नूडल्स दे दे, मंचूरियन दे दे। ठीक है, फिर वो लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? लगा देंगे, लगा देंगे, नीचे तंदूर पड़ा है, तंदूर जी नूडल्स बनाएंगे। ऐसे तंदूर में लंबी लंबी लगा देंगे, ऐसे करके लगा देंगे तंदूर में लंबी लंबी नूडल्स। गला ना गला, फ्राई जो गला ना गला। और बाद में आपसे मीठा भी पूछा जाएगा। मीठा फिर जब चाइनीज ही बना रहे हो तो बनाना फ्रिटर बना लेना ना, फलूदा। आज फलूदा बनाए ना ले, क्या चाइनीज मिलेगा? फलूदा बनाए आज, फलूदा जरा मेरा। चलो जाओ, शायद तैयारी शुरू करो फिर सूप दी। मैं कहना उठ ते रोटी टोक का प्रबंध कर लिया आप दोनों ने। सी ए यार, वड्डी असलियत गप्पा इनिया मार दे, सूप पिलाते पहला आओ पिलाता। मिम्मी नहीं किसे काम दा, ओदे कोनी पिलाए जाने ना। मैं थल्ले आ जाऊंगी, तू बनाओ तो सही, ऊपर भेज दी। सो आप प्लीज जाएं और खाने का बंदोबस्त करें। यार जाएं, आ जा, हिल ले यहां से। ओके दोस्तों, ये चार पांच बंदा बनना मुझे ले आया है, इन्होंने कहा है कि मैं बनाऊंगा पर सारा कुछ मुझे से करवा रहे हैं। तो मैं वेजेस चॉप करके दूंगी हस्बैंड को, बंद गोभी यूज करेंगे हम। हमारे पास कैरेट्स हैं और पेपर एंड हिम्मत अनियन लग रही है। This is a story about me and you. Orange, apple, mango, juice. Mango juice, maza ke jaisa hai, maza. ब्लॉग के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें। एक्चुअली मैं आज आपको होमवर्क देने वाली हूँ, आज के कमेंट बार में आपको बताना है कि आपकी फेवरेट कोट कौन सी है, क्योंकि मुझे कोट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आपकी फेवरेट को जान के मुझे कोई अकल आएगी। सो प्लीज़ कमेंट बार में उसको छोड़ना और मैं पढ़ूंगी और मज़ा आएगा मुझे। वरना मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट।